देखिए कपूर साहब, आज तो फ्रंट पेज का मसाला है। कोई मरे कोई जिए, तुम्हें अपने फ्रंट पेज के मसाले की पड़ी रहती है। छोड़िए भी, जज रघुनाथ आ गए। बड़ा शरीफ आदमी है जज रघुनाथ, न जाने गुंडे के बच्चे क्या सूझी जो इस बेचारे को मारने चला था। वो देखो तुम्हारा यार भी आ गया। जूरी मौजूद है। जनाबे वाला सब मौजूद है। मुल्ज़िम हाजिर है। जनाब वाला हाजिर है। मुल्ज़िम की तरफ से वकील कौन है? मुल्ज़िम की तरफ से वकील कौन है? क्या तुमने अपनी सफाई के लिए कोई वकील नहीं किया? तो फिर सरकार की तरफ से एक वकील। जनाब वाला, मुल्ज़िम की तरफ से वकील मैं। रीता, मैं कोई सफाई देना नहीं चाहता। याद है मैंने कहा था कि अगर तुम कभी कानून के पंजे में आ गए तो तुम्हारी तरफ से वकील मैं बनूंगी। क्या मुल्ज़िम को मंजूर है? जी। मुल्ज़िम राज, तुम्हारे खिलाफ जज रघुनाथ पर कातिलाना हमला करने का इल्जाम लगाया जाता है। तुम्हें अपनी सफाई के लिए जो कुछ कहना है। मैं ईश्वर को हाजिर नाज़िर जान के कहता हूँ कि जो कुछ कहूँ सच सच कहूँ। जज रघुनाथ, क्या आप कोई वजह बता सकते हैं कि मुल्ज़िम ने आप पर क्यों कातिलाना हमला किया? क्या उसे आपसे कोई खास दुश्मनी थी? थी, वो खास दुश्मनी जो एक जन्म के चोर उचक्के डाकू को एक जज से हो सकती है जो उसे बिला रियायत उसके किए की सजा देने वाला हो। इसके अलावा दुश्मनी की और तो कोई वजह नहीं थी? जी नहीं, मेरा उसका संबंध ही क्या हो सकता है। जनाब वाला, बस मुझे और कुछ नहीं पूछना। अब आप चाहें तो गवाह से जिरह कर सकते हैं। जज साहब, आप मेरे बुजुर्ग हैं, अगर जिरह में मुझसे आपकी शान में कोई गुस्ताखी हो जाए तो माफ कीजिएगा। ये एक इंसान की जान का सवाल है और आप ही ने सिखाया है कि इंसाफ करते वक्त हर दूसरे रिश्ते को भूल जाना पड़ता है। आज मैं पहली बार जिरह कर रही हूं, आशीर्वाद दीजिए। आपने अपने बयान में मुल्ज़िम को जन्म का चोर डाकू चक्का कहा है, इससे आपका क्या मतलब? मेरा मतलब है कि उसके रिकॉर्ड के मुताबिक वो बचपन से आवारा और बदमाश, अपराध की कीले जरूर उसे खून में अपने माँ बाप से मिले। जैसा आप, क्या आपकी कोई औलाद है? नहीं, मगर इस सवाल के इस मुकदमे के साथ क्या ताल्लुक? बहुत गहरा ताल्लुक। फिर सोचकर जवाब दीजिए, क्या आपको यकीन है कि आपकी कोई औलाद नहीं? नहीं, मगर मैं फिर कहता हूँ कि सवाल का। क्या आप बता सकते हैं कि आपने कब और क्यों और किस हालत में अपनी बीवी को घर से निकाला था? जनाबे वाला, क्या मुझे इन बेकार सवालों के जवाब देने के लिए मजबूर किया जाएगा? रीता देवी, आप सिर्फ वो सवाल करें जिनका इस मुकदमा से ताल्लुक है। हम ये जानना चाहते हैं
کہ ملزم نے حملہ کیا تھا یا نہیں. اب کیا تھا تو کیوں؟ بس بس بند کرو, میں خونی ہوں, میں خونی ہوں, مجھے پھانسی دینا ہے تو دو. آرڈر آرڈر, آپ جرا جاری رکھیے. جناب والا, ملزم کو اس سے انکار نہیں کہ اس نے جج رگھناتھ پر حملہ کیا, مگر جیسا کہ ابھی آپ نے فرمایا ہے, سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیوں کیا. میں اپنے جرا سے اسی سوال کا جواب دینا چاہتی ہوں. اگر تھوڑی دیر کے لیے آپ حضور والا اور جج رگھناتھ صاحب دونوں مجھ پر بھروسہ رکھ سکیں. آپ سوال کر سکتی. میں اپنا سوال پھر دہراتی. کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ آپ نے کب اور کیوں اور کس حالت میں اپنی بیوی کو گھر سے نکالا تھا؟ میں آپ سے معافی چاہتی ہوں جج رگھناتھ, مگر یہ سوال بہت ضروری ہے, ملزم کے لیے ہی نہیں, خود آپ کے لیے بھی. جو کچھ آج ہو رہا ہے اس کی جڑیں آپ کے بھولے ہوئے جیون میں. یاد کیجیے کیا آپ بتا سکتے ہیں کیا آپ نے کب اور کیوں اور کس حالت میں اپنی بیوی کو گھر سے نکالا تھا؟ آپ نے کب اور کیوں اور کس حالت میں اپنی بیوی کو گھر سے نکالا تھا؟ کب اور کیوں اور کس حالت میں اپنی بیوی کو گھر سے نکالا تھا؟ چوبیس برس ہوئے جب میں لکھنؤ میں وکالت کرتا تھا. اپنے خاندان میں مجھے باغی سمجھا جاتا تھا, کیونکہ میں نے سماج کے قانون کے خلاف ایک ودھوا سے شادی کر لی تھی. میرے پتا جو ایک بڑے تعلقے دار تھے اور زیادہ تر بمبئی میں رہتے تھے, مجھ سے خفا تھے, مگر میں کسی صورت میں لیلا کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھا, اس لیے وہ بہت اچھی تھی, بہت نیک تھی, اور میں اسے پیار کرتا تھا. مگر ایک دن جب ہم دریا کے راستے کانپور سے الہ آباد جا رہے تھے, مجھے نہیں معلوم تھا کہ میری زندگی کی ناؤ اتنی تیزی سے ایک بھیانک مجرا کی طرف بہتی چلی جا رہی ہے. تیری مجدھار ہوشیار ہوشیار نیا تیری مجدھار ہوشیار ہوشیار سوچے آر نہ پار ہوشیار ہوشیار سوچے آر نہ پار ہوشیار نیا تیری مجدھار ہوشیار ہوشیار بھیا 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 دھار ہوشیار ہوشیار گہری چنچل دھار ہوشیار ہوشیار نیا تیری مجدھار ہوشیار ہوشیار ہو حیا حیا ہو حیا حیا کاٹ کا ٹکڑا بہ جاتا ہے ڈوب کے رہ جاتا ہے یعنی سوچ بچار ہوشیار ہوشیار یعنی سوچ بچار ہوشیار ہوشیار نیا تیری مجدھار ہوشیار نیا تیری مجدھار ہوشیار ہوشیار بھیا بھیا ہو بھیا بھیا
नींद नहीं है? क्या सोच रहे? ये होशियार होशियार क्यों चिल्ला रहे हैं? कहते ये इलाका कुछ खतरनाक है। वो जग्गा डाकू भी तो यहीं का था। डाकू? हाँ, घबराओ नहीं, अब तो किसी जेल में आराम से सो रहा होगा। जा अपने बदल, नींद आ गई। डर लगता तो मैं आऊं? नहीं। नीरज, नहीं मालिक नहीं, बहू जी उनके साथ। लुटेरे कहीं के कहां है तुम्हारा सरदार? कौन होते हो तुम शरीफों की बहु बेटियों को तंग करने वाले? शर्म नहीं आती तुम्हें? शर्म शरीफों को आती है, चोर और डाकू को नहीं। और फिर मेरा दादा डाकू था, मेरा बाप डाकू था, मैं नहीं था। सो तेरे पति ने मुझे भी डाकू बना डाला। मेरे पति ने? तुम हो कौन? जग्गा, मैं निर्दोष था, लेकिन तेरे पति देव ने मुझे दोषी ठहराया बिना किसी सबूत के, सिर्फ इसलिए कि मेरा बाप डाकू था, दादा डाकू था। एक अबला की लाज लूटने के झूठे इल्जाम में मुझे जेल भिजवाया, इसलिए आज मैंने ये सोचा कि तेरे पति के कहे हुए को सच कर दिखाऊं। उस दिलारत बुढ़िया, देखे क्या हुआ है? होश आया इसे? नहीं माए, वो आई जाओ सरदार, अभी तक बेहोश है। इसे छोड़ दे सरदार, ये गर्भवती है, मां बनने वाली है, इसको हाथ भी लगाएगा तो नरक की आग में जलेगा। गर्भवती है, बच्चे की मां होने वाली है। इसके पति ने कहा था कि शरीफों की औलाद हमेशा शरीफ होती है और चोर डाकू की औलाद हमेशा चोर डाकू होती है। अब मैं देखूंगा वकील साहब की औलाद कैसी होती है। जब ये ठीक हो जाए इसे घर पहुंचा देना। वकील साहब, शरीफों की औलाद शरीफ और चोर डाकू की औलाद चोर डाकू। सरकार, आज तो इनाम मिलने का दिन है। क्यों, दिवाली आ गई क्या? दिवाली नहीं सरकार, बहू जी आ गई। क्या कहा? बहू जी, बहू जी। रीटा, रीटा, आज 20 कमरे में आते हैं ना? आज की रात से दिवाली की रात में तेरे से गुजारना चाहिए। इस कमरे में और मेरे जीवन में चलना तो आपके दम से होता है। चिराखा मुरे, तुम आ गई। लौट हमें। लेकिन लीला, तुम इन जालिम लुटेरों के हाथ से निकल कैसे पाए?
तुम्हारी जान को तो कोई खतरा नहीं था। आपका प्यार मेरे साथ था, फिर भला कोई मेरी तरफ आंख उठाकर भी देख सकता था? आप थके हुए हैं, आप कल उतार लीजिए, मैं गाँव जाती हूँ। ये चार दिन लीला लीला लीला, ये चार दिन ऐसे लगते थे युग बीत गया। पुलिस को लेकर कहा कहा तुम्हारी तलाश नहीं, बस हर वक्त इधर से। हर वक्त एक दर्शन लगा रहता हूं, ना जाने तुम पर कौन सी भयानक विपत्ति पड़ रही होगी। लेकिन देखा तुम बचकर आई कैसे, और वो डाकू था कौन जिसकी इतनी हिम्मत हुई? जग्गा है कोई, कहता था आपने उसे सजा दिलवाई थी। जग्गा मुझसे बदला लेने के लिए जेल से भागा था। लीला, अगर उसने तुझे जरा से भी दुख पहुंचाया मैं उसे फांसी पर लटका करूंगा। उसके मन में शैतान जरूर था, मगर शुक्र है ऐन वक्त पर भगवान ने मुझे बचा लिया। एक बात बताइए, कहो। क्या यह जरूरी है कि एक शरीफ का बेटा शरीफ और डाकू का बेटा डाकू ही हो? हाँ, ये तो होना ही चाहिए, मगर तुम क्यों पूछती हो? यूं ही। देखें आपके मैजिस्ट्रेट का ऑर्डर पहले आता है या कौन कौन आने वाला है? एक नया मेहमान। मैजिस्ट्रेट जी का मेरा कोई चांस नहीं। क्यों, अब क्या हुआ? होगी कोई दूसरी वजह, तुम कोई दूसरी बात करो। अच्छा ये देखिए कैसा है। अच्छा अच्छा, सुनिए आप मुझसे कुछ नाराज हैं? नाराज नहीं, तो तुमसे क्यों नाराज होने लगा? खाना वक्त पे भिजवा देना। ये क्या भाभी, नौकर सब क्या हुआ? क्या पता कहां मर गए हैं सबके सब, सारे घर का काम तो मुझे ही करना होता है। नहीं मैं पहुंचा। बस बस, ये लार तो उसे लड़ाओ जो रानी बनकर बैठी है। आप लीला पर नाराज ना हो, उसे तो मैंने मना कर रखा। आप तो जानती हैं आजकल उसकी क्या हालत है, और फिर थोड़े ही दिनों में वो एक सपोलिए को जन्म देने वाली है, अपने पाप के कलंक को हमारे माथे पर थोपने वाली है। क्या कह रही हो भाभी? वही कह रही हूँ जो सारी दुनिया कह रही है। पूरे चार दिन एक डाकू के पास रह कर आई थी, और वो भी जग्गा जैसा डाकू, याद नहीं किस अपराध की सजा दिलवाई थी उसे। दुनिया को गंद उछालने में मजा आता है, जैसे लोग होते वैसे दूसरे को भी समझते। तो क्या तुम भगवान राम से भी बढ़कर हो? जानते हो सती सीता को भी अग्नि परीक्षा देनी पड़ी थी इसी दुनिया के कहने पर ना। भाभी क्षमा करना, भाभी घड़ा टूट गया। मिट्टी का घड़ा टूट कर जुड़ सकता है भैया, पर याद रखना स्त्री की लाज का शीशा एक बार टूट जाए तो कभी नहीं जुड़ सकता। ठीक है ठीक है, लेकिन हम जो पूछते तुम उस बात का जवाब दो। क्या तुम इसका बिल्कुल पता नहीं था कि तुम्हारी बीवी छुप छुप मुल्तन से मिला करती थी? गांव वाले जरूर कहा करते थे सरकार, पर मैंने उनकी बातों पर ध्यान ही नहीं दिया।
लेकिन तुमने अभी तक अदालत को ये नहीं बताया कि तुम्हारी बीवी तुम्हें छोड़कर भाग क्यों गई। आप तो जानते हैं सरकार औरत की जात ही बेवफा होती है। हम जानते हैं तुम्हारा क्या मतलब है। ऑर्डर ऑर्डर। भैया रघु, इस तरह तुम यहाँ अदालत में आपस से बात होते रहे तो कैसे काम चलेगा। मुझे तो डर है तुम्हारा मजिस्ट्रेट का चांस भी कहीं गड़बड़ में न पड़ जाए। मजिस्ट्रेट का चांस, उसका तो अब सवाल ही पैदा नहीं होता। एक ऐसे वकील को कौन मजिस्ट्रेट बनाएगा जिसकी बीवी के चाल चलन पर शक किया जाता हो। रघु, इसके बारे में सारा शहर चर्चा कर रहा हो। क्या कह रहे हो तुम? अपनी बीवी के बारे में जबान से ऐसी बातें निकालते हो, शर्म नहीं आ रही तुम्हें? मैं वही कह रहा हूं कि सारी दुनिया कह रही है, दुनिया बाकी है तो बाकी दो। ठीक कहते हो दुबे, मेरा भी यही उसूल रहा है, दुनिया बकती है तो बकने दो। लेकिन उस शक को कैसे निकालूं जो एक चोर की तरह छिपा बैठा है खुद मेरे ही मन के अंधेरे में। तो फिर करें। ये कलंक का टीका मैं अपने खानदान को नहीं लगने दूंगी। इस कलंकनी को मैं इस घर से निकाल कर रहूंगी, निकाल कर रहूंगी। नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। इस घर से मुझे कोई नहीं निकाल सकता। वो जानते हैं कि मैं निर्दोष हूँ। उन्हें मुझ पर विश्वास है, उन्हें मुझ पर विश्वास है। आप आ गए, अब मुझे किसी का डर नहीं। सुना आपने, वो सब मुझे घर से निकालना चाहते हैं। कहते हैं मैं पापन कलंकिनी हूं, इस घर पर मेरा कोई अधिकार नहीं है। मगर अब आप आ गए, अब किसी की हिम्मत नहीं हो सकती। आप मुझे कह दीजिए लीला निर्दोष है, आपको उस पर विश्वास है। वो आपके होने वाले बच्चे की मां है। आप जो कहते थे मुझे भौंकते कुत्तों की परवाह नहीं। अगर आपने मेरा साथ छोड़ दिया तो दुनिया में मेरा है कौन? कहिए, कहिए आपको मुझमें विश्वास है? तो क्या तुम भगवान राम से भी बढ़कर मत भूलो कि सती सीता को भी अग्नि परीक्षा देनी पड़ी थी। क्यों है? बोलिए बोलिए, मेरी हालत आप देख रहे हैं। मुझे मुझे डर है, मैं मां बनने वाली हूं, आपके बच्चे की मां। दया कीजिए, यह आप ही का बच्चा है, ये बच्चा आप ही का है। निकल जाओ।
निकल जाए यहां से। पतिव्रता सीता माई को तूने दिया बनवास, क्यों न फटा धरती का कलेजा, फटा आकाश, जुलम सहे भारी झलक दुलारी, जुलम सहे भारी झलक दुलारी, राम की जारी मारी मारी झलक दुलारी, मारी मारी झलक दुलारी, जुलम सहे भारी झलक दुलारी, जुलम गगन महल का राजा देखो कैसा खेल दिखाए, कैसा खेल दिखाए, ओ गगन महल का राजा देखो कैसा खेल दिखाए, दीप से मोती गंदले जल में सुंदर कमल खिलाए, खिलाए सुंदर कमल खिलाए। अजब तेरी लीला है गिरधारी, अजब तेरी लीला मुबारक हो वकील साहब, आपके बेटा हुआ है इस गंदी नाली में शरीर की औलाद। अपने घर का दरवाजा बंद करने के बाद आपको नहीं मालूम कि आपकी बीवी और बच्चे पे क्या गुजरे? नहीं। और ना ही आपने जानने की कोशिश की, मगर मैं आपको बता सकती हूं, अपने आप को आपके रास्ते से हटाने के लिए आपकी निर्दोष बीवी ने लखनऊ छोड़ दिया और आपके मासूम बच्चे ने बंबई के गरीबों की एक बस्ती में परवरिश पाई। उन्हीं बच्चों एक दिन नमस्ते यमुना साहब। अबे तू यहाँ बंदर की तरह टंगा हुआ क्या कर रहा है? स्कूल को नहीं जाता? जमादार साहब, स्कूल में मास्टर फीस मांगता है और मेरे बाप के पास इतने पैसे कहाँ हैं जो स्कूल भेजे। अरे वो तुम्हारी ही चाल में तो रहता है राज, लीला का छोकरा, उसकी माँ तो तुमसे भी ज्यादा गरीब है, फिर भी आपने छोकरे को कितने बड़े स्कूल में भेजती है। जमादार साहब, वो छोकरा थोड़ी है, छोकरी है छोकरी। माँ तुम मेरे बालों में तेल क्यों डालती हो? तेल डालने से बाल मुलायम रहते हैं बेटा। पर गली के सब लड़के मुझे छोकरे के क्यों छेड़ते हैं? भौंकने दूंगी। तुम्हारा उनका क्या मुकाबला? तुम स्कूल में पढ़ने वाले शरीफ बच्चे पढ़ लिखकर बड़े आदमी बनोगे, वो आवारा छोकरे जेल खाने की कोई कोठरी आबाद करेंगे। माँ आवारा किसे कहते हैं? गली बाजारों में मारे मारे फिरने वालों को, जो दूसरों के माल को अपना समझते हैं, लिखने पढ़ने के बजाय जुआ खेलते हैं, शराब पीते हैं, यूं को मजे उड़ाते हैं। माँ बड़ा होकर मैं भी आवारा बनूंगा। चल हट, आवारा बने तेरे दुश्मन, तू तो वकील बनेगा, वकील फिर मैजिस्ट्रेट फिर जज।
सब चॉकलेट और टाफियां खरीद रहे हैं। मेरे पास पैसे नहीं। क्यों? तुम्हें तुम्हारी माँ पैसे नहीं देती? मुझे तो मेरे पिताजी रोज एक रुपया देते हैं। तुम अमीर हो, हम गरीब। अच्छा तो ये खा लो। नहीं, माँ ने कहा मांग के कुछ नहीं खाना। मांग कर खाने के लिए मना किया था, छीन कर खा लो। चंगी चंगी ना 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 ना। अच्छा राज, आज शाम को हमारे यहाँ आओगे ना? क्यों, क्या है? मेरी सालगिरह की पार्टी है, जरूर आना, बड़ा मजा रहेगा। पता है मेरे पिताजी ने इतना बड़ा केक बनाया है, इतना बड़ा केक बनाया। कोई भेंट नहीं थी? मेरे पास कुछ खरीदने के लिए पैसे नहीं है, फिर कभी दे दूंगा। तो क्या सिर्फ बाजार में खरीदी हुई चीज ही भेंट दी जाती है? तुम मुझे ये फूल भी दे सकते हो? सच दी तो? ये लो रितु, मगर याद रखना, एक ना एक दिन मैं बहुत से रुपए कमाकर तुम्हारे लिए भेंट ला के दूंगा। इन सब चीजों से बढ़िया ला देना, मगर इस फूल से बढ़िया थोड़ी हो सकती। रीटा, रीटा, योर फादर इज कॉलिंग यू, कमिंग। चलो राजे, मैं तुम्हें पिताजी से मिलूं। तुम हमेशा यूं ही कहते रहे। और ये तुम जज साहब से मिलो। नमस्ते जज साहब। जी जी रहो, 4 वर्ष में इतनी बड़ी हो गई हो, अब तो मैं पहचानती भी नहीं होगी। सालगिरह मुबारक। भाई हम तो आज ही लखनऊ से आए, इसलिए प्रेजेंट हम पे उधार रहा। इस वक्त सरे दस्त एक फूल दे सकते हैं? लो लो। हाँ हाँ, तुम्हारे बालों में लगा दे। मगर यहां तुमसे पहले किसी और ने फूल लगा दिया है। जज साहब, ये फूल मुझे राज ने दिया है। पिताजी, यह है राज, मेरे क्लास में पढ़ता है। अच्छा, नमस्ते जी। नमस्ते। नमस्ते जी। चलो बेटा। जज साहब, राज कहता है मैं बड़ा होकर जज बनूंगा। शाबाश शाबाश, तुम किसी बड़े शरीफ और हिम्मत वाले बाप के बेटे मालूम होते हो। क्या करते हैं तुम्हारे पिताजी? जी मेरे पिता नहीं है, बस माता जी है। देहांत हो गया उनका? नहीं नहीं, ऐसा ना कहिए, माता जी कहती हूँ जिंदा है। मगर 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 वो तुम्हारे पास नहीं रहते, तुमने देखा भी नहीं। तुम्हारे पिता बड़े अजीब। देखिए आप मेरे पिताजी के बारे में कुछ ना कहिए, नहीं तो नहीं तो राज। आपने कमाल कर दिया, आप रीता को ऐसे लड़कों से मिलने जुलने देते? जाओ रितु, खेलो। क्यों, इस लड़की में क्या खराबी? मुझे तो बड़ा अच्छा लगता। जो अपने बाप का नाम भी नहीं जानता उसे आप अच्छा कहते? मुझे तो जन्म का आवारा लगता। छोड़ो भी, कहां का पुराना दखियन उसी फलसफा ले बैठे। क्या नाम था उस डाकू का? हाँ, जग्गा। उसके मुकदमे में भी मुझे याद है तुमने यही कहा था कि शरीफ का बेटा शरीफ और डाकू का बेटा डाकू होता है। मैं अब भी उसी उसूल पर अटल। उसूल 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 रखू, इन्हीं अंधे उसूलों के लिए तुम लीला जैसी अनमोल बीवी को खो चुके। इन्हीं उसूलों के लिए आज तक दूसरी शादी नहीं की, अपने जीवन को बंजर वीरान बना लिया, और अब दो बच्चों की मासूम दोस्ती का खून करना चाहते। आखिर इस बेचारे गरीब लड़के ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? इसने नहीं, तो इसी जैसे किसी और लड़के ने मेरी जिंदगी तबाह की, मेरी इज्जत पर कलंक लगाया। शायद वो भी यही कहता फिरता होगा,
मैं सिर्फ अपनी मां का बेटा हूं, मेरा बाप कोई नहीं। गलियों में घूमते हुए हर आवारा छोकरे में मुझे उसकी झलक नजर आती है, जो मेरी बीवी का होने पर भी मेरा नहीं, जो मेरी बीवी का होने पर भी मेरा नहीं। माँ, रीता की तस्वीर अच्छी है ना? पर माँ, तुम इतना काम क्यों करती हो? जब भी तो तुम्हें बुखार आ जाता है। अब मैं तुम्हें काम नहीं करने दूंगा, समझी? पगला, काम नहीं करूंगी तो हम खाएंगे क्या? मैं मर दूं, मैं काम करूंगा, बस कल से स्कूल जाना बंद। स्कूल नहीं जाएगा, स्कूल नहीं जाएगा, पढ़े लिखेगा नहीं तो शरीफ आदमी कैसे बनेगा? रहेगा स्कूल नहीं जाएगा तो वकील कैसे बनेगा, मजिस्ट्रेट कैसे बनेगा, जज कैसे बनेगा? तुम कहती हो तो स्कूल भी जाऊंगा पर काम भी करूंगा, मगर मैं जज नहीं बनूंगा माँ। उस दिन रीता के यहाँ जज को मिला था, मुझे नहीं अच्छा लगा माँ। राज। नमस्ते मास्टर जी, क्षमा कीजिए मुझे देर हो गई, मैं काम करता हूँ ना मास्टर जी, मैं काम करता हूँ। ये सब क्या है? ये ब्रश, ये पॉलिश की डिब्बिया, बड़ी अच्छी पॉलिश करता हूँ मास्टर जी। नहीं, तुम्हारा नाम रजिस्टर से काट दिया गया है जी। हाँ, अब तुम यहाँ नहीं पढ़ सकते। मगर मास्टर जी, मैं तो फीस भी लेके आया हूँ। मास्टर जी, आप कहते हैं मैं बूट पॉलिश करना छोड़ दूंगा। तो अब मैं यहाँ नहीं पढ़ सकता? नहीं, एक मिनट के लिए रीता से मिल लूं। मास्टर जी, मैं उसके लिए एक भेंट लाया हूँ। नहीं, रीता के पिता ने उसे स्कूल से उठा लिया है, वो लोग कहीं बाहर चले गए। क्या मैं साले मेरी गुल्ली को लात की मारी? माफ करना भाई, पांव गलती से लग गया। ये पालिस वाले चोगरे की इतनी हिम्मत? पालिस वाले चोगरे, तेरी गेम मजाक हमसे टक्कर लेता है? मेरी माँ बीमार है, मुझे मेरी माँ के पास जाने दो, मुझे फिर मार लेना। मेरी माँ बीमार है, मुझे मेरी माँ के पास जाने दो। तेरी माँ बीमार है? इसकी माँ बीमार है। भागो, जगह दे दो, भागो भागो, ये मार, भागो, जगह दे दो, जगह दे दो। चलो मेरे साथ। कहाँ? जहाँ मैं जाऊँ।
आज से जहां मैं जाऊंगा वहीं तू जाएगा। तेरे बाप की यही मर्जी थी। तू पिताजी को जानते हो? हाँ जानता था। मैं आज जो भी कुछ हूं ये उन्हीं की मेहरबानी है। मुझे तेरे बाप का एक पुराना कर्जा चुकाना है। तब तो तुम मुझे जरूर कहीं काम दिला सकते हो। काम? कैसा काम? कैसा भी हो मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ। मेरी माँ बीमार है, हमारे यहाँ कुछ भी खाने को नहीं है। आप कैसा भी काम दिला दीजिए, मैं बर्तन मानूंगा, झाड़ू दूंगा, बोझ उठाऊंगा, मैं सब कुछ करूंगा, मगर मुझे काम दिला दीजिए, मुझे काम दिला दीजिए। उल्लू, काम बेवकूफ करते हैं। तू समझदार लड़का है, समझदार होकर काम की बातें करता है। काम नहीं करूंगा तो खाऊंगा कैसे, माँ को कैसे खिलाऊंगा? चोरी करके। चोरी? हाँ 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 चोरी 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 करके, जेब काट के, नकाब लगा के, ताले तोड़ के, खून करके। राज, 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 बड़ी देर लगा दी बेटा। हाय, सवेरे का भूखा होगा। जा जल्दी से रोटी खा ले। रोटी? रोटी बनाई है तुमने वहाँ? हाँ हाँ, क्यों ना बनाती, वहाँ रखी है कटोरे से ढकी, गरम गरम रोटियाँ और आलू की तरकारी बनाई है, वो भी ले ले, छीके पर प्याले में रखी है। मिल गई ना, मिल गई ना मामा, मिल गई। रोटी भी तरकारी भी। तरकारी तो आज बहुत अच्छी बनी अम्मा। तू खा ले तो एक रोटी मुझे भी दे दीजिए बेटा, मुझे बड़ी भूख लगी है, बड़ी भूख लगी है। रोटी? हाँ माँ, अभी ला, अभी ला। चोर कहीं का रोटी चुराता है? माफ करना भाई, मेरी माँ भूखी है, उसने 3 दिन से खाना नहीं खाया। माँ का बच्चा दोष को पुलिस चला ले। छोकरे नाम क्या है तेरा? पूछते हैं नाम क्या है? राज। और बाप का नाम? माँ ने पिताजी का नाम नहीं बताया। माँ रहती कहाँ है? पूछते हैं माँ रहती कहाँ है? नहीं बताऊंगा, नहीं बताऊंगा। बताएगा नहीं तो तेरी जमानत कौन देगा? जानता है फिर जेल जाना पड़ेगा। जेल? भागता कहाँ है? मुझे जेल मत भेजो, मेरी माँ भूखी है, मुझे जेल मत भेजो, मेरी माँ भूखी है, मुझे जेल मत भेजो। डरता क्यों है बेटा? अभी तो ये पहला कदम है, रास्ता बहुत लंबा है। Thank you.
ए, पागल है क्या? रोटी को देखकर हंसता है क्या? जवाहरलाल साहब, ये रोटी है ना, ये रोटी है ना, जुल्मी बड़ी बेवफा है। क्या बात है? इसने हमको बहुत चक्कर दिया जमादार साहब। 12 बरस पहले अगर यही रोटी मुझे जेल खाने के बाहर मिल जाती ना, तो इसी के पीछे बार बार यहाँ चक्कर क्यों लगाने पड़ते? बस बस, फुकट की रोटी बहुत खा ली। चलो तुम्हें साफ बुला रहा, तुम्हारा टाइम हो गया, और कोई दूसरा होटल ढूंढो। टाइम खलास? हाँ। ओके बॉस, अभी तो हमको इधर का खाना पसंद नहीं है, अभी तो हम ताजमहल होटल का खाना खाएगा। ताजमहल होटल का खाना खाने का हो तो चोरी चपाती छोड़ दो। यस बॉस। शीशा कतरना छोड़ दो। यस बॉस। और कोई अच्छे रास्ते पे लगो। तीर्थ यात्रा को जाता है बॉस। या गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ, आवारा हूँ, आवारा हूँ। या गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ, आवारा हूँ। घर बार नहीं, संसार नहीं, मुझसे किसी को प्यार नहीं, मुझसे किसी को प्यार नहीं। उस पार किसी से मिलने का इकरार नहीं, मुझसे किसी को प्यार नहीं, मुझसे किसी को प्यार नहीं। सुनसान नगर, अनजान डगर का प्यारा हूँ, आवारा हूँ, आवारा हूँ। या गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ, आवारा हूँ। आबाद नहीं बर्बाद सही, गाता हूँ खुशी के गीत मगर, गाता हूँ खुशी के गीत मगर। जख्मों से भरा सीना है मेरा, हंसती है मगर ये मस्त नजर। दुनिया दुनिया मैं तेरे तीर का या तकदीर कमारा हूँ, आवारा हूँ। या गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ, आवारा हूँ, आवारा हूँ, आवारा हूँ। राज, राज, तूने तो मुझे डरा दिया था। आगे लग जा। वेल बॉस, हाउ इज बिजनेस? तू तो अंग्रेजी बोल रहा है।
तो क्या बात है? इस बार जेल में एक पॉलिटिकल से वास्ता पड़ गया। मैंने सोचा लगे हाथ अंग्रेजी पढ़ लूं, काम ही आएगी। और सुनाओ माँ का क्या हाल है? उसे कहलवा दिया था ना? हाँ, उसे तो जब ही खबर कर दी थी। वो तो बेचारी ये सोच रही है कि तू अपने सेठ के साथ लंबे सफर हो गया हुआ है। देख घर जाना, तेरा थाट बांट देना, मैंने तेरे सब इंतजाम कर रखा है। चलिए ये तो बताओ, माँ को पैसे भिजवाते रहे हो कि नहीं? ये भी पूछने की बात है। हर महीने की पहली तारीख को। और सुन, तुझे भी तो कुछ पैसे की जरूरत होगी, ये ले। इसे ढूंढ रहे हो दादा? मैंने सोचा मेरे लिए ही तो लाए हो, क्यों ना खुद ही निकाल लूं। तुम्हें चाहिए तो 10-20 दूं। भाई भाई शाबाश बेटा शाबाश, तू अपने गुरु का नाम जरूर रोशन करेगा, शाबाश। फिर मैं तेरे बाप से पूछूंगा कि शरीफ की औलाद कैसी होती है। मां। हेलो मम्मी डार्लिंग, हेलो राज। राज बेटा, मेरी तो आंखें तरस गई तुझे देखने को। पता है पूरे एक बरस के बाद आया है आपकी तो। आखिर ये तेरा सेठ तुझे कहाँ कहाँ लिए फिरता है? कुछ ना पूछो माँ, अब के तुम्हारा राज विलायत तक हो आया। विलायत? लंदन, फ्रांस, पेरिस, न्यूयॉर्क, अमेरिका, यहाँ तक के वापसी में आर्थर रोड तक होता आया। हमारा सेठ इंपोर्ट एक्सपोर्ट करता है ना? वो क्या होता है रे? हाँ, तुम इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं जानती माँ? वाह, ये तो बड़ी सीधी हो। तुम्हारा बेटा इतना बड़ा बिजनेसमैन होने वाला है और तुम्हें ये नहीं पता कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट कैसे कहते? सुन माँ, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का मतलब है इधर का माल उधर और उधर का माल इधर, मगर माँ ज्यादातर तो उधर का माल ही इधर होता है। मैं कह जाना, तू तो फर फर अंग्रेजी बोलने लगा है। अच्छा तू बैठ, मैं अभी तेरे लिए चाय बनाकर लाती हूँ। हाँ क्या देख रही हूं? मैं चोर हूं, पहले झूठ बोला, मैंने पाप किया। ये तस्वीर क्यों उलट दी राज? न जाने क्यों, इसे देखता हूं तो ऐसा लगता है जैसे ये मुझे घूर रही है। ये क्यों नहीं कहता कि बचपन की याद सताती है? न जाने अब कहां होगी, तो तलाश क्यों नहीं करता रे? बचपन के दिन और बचपन के साथी भी कभी लौट कर आए हैं माँ। अच्छा मैं चला। अरे चाय रहने दो माँ, मुझे एक दोस्त के यहाँ जाना है। मेरे राज की भी औंधी खोपड़ी। Thank you.
क्यों तू मुझे ठुकराता है, मुझसे नजर क्यों चुराता है, लूट ले दुनिया तेरी है, लूट ले दुनिया तेरी है, प्यार से क्यों घबराता है, एक दो तीन आजा मौसम है रंगीन, आजा एक दो तीन आजा मौसम है रंगीन। फिफ्टी फिफ्टी क्या, इससे कई गुना ज्यादा लेना। कल सुबह एक बैंक का मुहूर्त हो रहा और मैंने सोचा लगे हाथ मैं भी मुहूर्त कर डालू। एक आध लाख रुपया तो बाएं हाथ तक खेले, सिर्फ मोटा चाहिए, वो तो अच्छी मोटा। वो मेरे बाएं हाथ का खेल है। कल सुबह 11 बजे वो मैं बताऊंगा। शाबाश, तू मेरा नाम जरूर रोशन करेगा। ओके, मुझे 11 बजे पहुंचना है। एक फर्स्ट क्लास गाड़ी। गाड़ी कहाँ? वो फॉरेन ड्राइवर कहा? उसका तो पता नहीं, एक लड़की उतर कर सामने की दुकान में गई है। क्या उसके पास होगी वो? इडियट, देख के नहीं चलते। तुम चाबी ना? इसमें चाबी अभी तो है नहीं, तो फिर बदमा वापस करते। और क्यों? आसानी बढ़िया है, कभी काम ही आएगी। वापस कैसे करोगे? आपने देखा नहीं आपका पर्स किसने उड़ा है? देखा होता तो पकड़ में लेती। मगर तू? हाँ तू? मैं? वो देखिए चोर भागा चला जा रहा है। तेरी की दीवार फंस गया। खैरिये आइए, ये मदद कीजिए। अबे यहाँ छुपा बैठा है, रास्ता कहाँ है? आई शर्म नहीं आती? ये भगवान ने तो भूखा सा बना दूंगा, जान से मार डालूंगा। आए देख, चो चो बजो छुपा के बैठ। आई तेरे 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 बजो तेरे 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 मा,
कमीना कहीं का कम्बक भाग गया। खैर आपका बटुआ तो मिल गया। लीजिए मुन साहब, आपको मेरी खातिर कितनी तकलीफ उठानी पड़ी। तकलीफ काय की मेम साहब, ऐसी ऐसी चोटें तो न जाने कितनी खाई है। मुझे आपसे माफी मांगनी चाहिए, आपने अपने आप को खतरे में डालकर मेरा बटुआ वापस कर दिया और मैं उल्टा आप ही को शक कर रही हूँ। इसमें आपका दोष नहीं मेम साहब, मेरी सूरत ही ऐसी है, और तो और कभी कभी तो पुलिस भी धोखा खा जाती है। अच्छा जी रुक बेटा, कैसे तू रुक कैसा लगाया है? मगर सब बेकार, अब एक कार भी आ जाएगी, घबराता क्यों है? तुम लोग फाउंटेन पहुंचो, मैं जरा कपड़े बदल कर आता। अरे वाह रे मजनू, लैला को देखते ही कपड़े भी फट डाले। अबे चल। चलो सवाल है। तुम्हारे साहब ने ही तो बुलाया और पूछते हो क्या चाहिए? आपने बुलाया या मेम साहब ने? मेम साहब ने, मेम साहब ने। ओ तो तुम प्यानो ठीक करने वाले हो? हाँ, प्यानो ठीक करने वाला है। तुम प्यानो अंदर ही है? बाहर क्या बाहर होता है? अंदर होता है। चलो ना, अपना सारा मामला साफ हो जाएगा। मालूम होता किसी करोड़पति के बाप का मकान है। हेलो डार्लिंग, क्या कहा? ये मैडम, ये मैडम कितना खूबसूरत है, कितना शानदार घर है ये। मैडम ये क्या मजाक करते हो? ये रहा प्यानो। जी जी जी, ये प्यानो तो बहुत खराब है, बिल्कुल कंडम। देखो टीचर माल, इसे बनाने में बहुत देर लगेगी। तुम जाओ अपना काम देखो। बच्चे मेरा पियानो कौन खेल रहा है? आप? आप?
लीजिए, मैं फिर धोखा खा गई, समझे कोई चोर है। चोरी तुम? जी मेरा मतलब जो इस तरह बिन बुलाए आपके घर आ धमका, चोर नहीं तो और क्या? जी नहीं, ये तो बहुत अच्छा किया आप आए, उस दिन आपने मुझ पर इतना एहसान किया, मुझे तो खुद ही आपको बुलाना चाहिए था, मगर मुझे आपका पता नहीं मालूम था। आपको मेरा पता कैसे मालूम हुआ? जी आपको मेरा पता कैसे मालूम हुआ? ये ना पूछिए, राज की बात है, या यूं समझ लीजिए किस्मत मुझे आपके दरवाजे पर छोड़ गई। बैठिए ना। सिगरेट, लाइटर? जी नहीं, माचिस। मिस साहब, ये पियानो ठीक करने वाला आपसे। पियानो ठीक करने वाला? आपके नौकर का ख्याल है कि मैं पियानो ठीक करने वाला हूँ। पर बाबूजी आपने तो कहा था। अच्छा अच्छा ठीक, जाओ देखो कौन। जा जा। अजीब आदमी, आपको पियानो ठीक करने वाला समझ बैठे। उसका कसूर नहीं, मेरी सूरत ही ऐसी है। पर इंस्पेक्टर साहब, यहाँ चोर वोर कोई नहीं आया। आप ठहरिए, मैं अभी हाजिर हूँ। इंस्पेक्टर, ये आज पुलिस की मेहरबानी कैसे हुई? माफ कीजिएगा, मैं अभी आई। माफ कीजिए अमित साहब, एक चोर जो कार चुरा कर भागा जा रहा था, इन्हीं बंगलों में से किसी में घुसा है। आपने तो कोई इस किस्म का आदमी नहीं देखा। जी नहीं, यहाँ तो कोई नहीं आया। इंस्पेक्टर साहब, इन्होंने गलत कहा कि यहाँ कोई नहीं आया। एक तो मैं ही, कहीं आपको मेरी तलाश तो नहीं? नहीं नहीं, ये कैसे हो सकता है। अच्छा माफ कीजिए। आइए। बड़ा शानदार मकान है। जी हाँ, जज साहब का मकान। जज साहब का? जी हाँ, वो मेरे गार्जियन। गार्जियन? यानी कि रेलवे का गार्ड, कभी लाल झंडी कभी हरी झंडी? जी नहीं, पिताजी के देहांत के बाद उन्होंने मुझे पाला है। मेरी पढ़ाई के खातिर वो लखनऊ छोड़कर बंबई चले आए, उनके मुझ पर बड़े एहसान। एक जज का इतना शानदार मकान। मालूम होता आपके जज साहब को ऊपर की आमदनी खूब होती है। कैसी बातें करते हैं, जज साहब उसूल के बड़े कट्टर हैं, वो कभी किसी अपराधी को माफ नहीं करते। तब तो भगवान उनसे बचाए। घबराइए नहीं, अगर आप किसी अपराध के लिए जज साहब की अदालत में पेश किए जाएं, तो अपनी तरफ से वकील मुझे कीजिएगा। आप वकील? जी। ये मैं तो आपको स्कूल गर्ल समझा था। ये भी खूब रही, दो महीने के बाद एडवोकेट बन जाऊंगी, कहिए तो डिग्री दिखाओ। इस घर में एक जज साहब रहते हैं, एक वकील साहिबा रहती है, बस अदालत पूरी करने के लिए सिर्फ एक की कसर थी, सो मैं हाजिर हो गया। आप क्या काम करते? चोरी करना। जी चोरी करना, जेब काटना, ताले तोड़ना, आप जैसी लेडीज का पर्स उड़ाना, यही मेरा काम। आप तो फिर मजाक करने लगे। बैठिए ना। मैं आपको चोर नजर नहीं आता? जी नहीं, मुझे तो आप अच्छे खासे शरीफ आदमी नजर आते। बस यही तो हमारे नए समाज का कमाल, जो चोर दूसरों की जेब काटते, पब्लिक की आंख में धूल डालते, मेरे जैसे पसला सूट पैंट पहनते, उन्हें हम शरीफ समझते, और जो ईमानदारी से मेहनत मजदूरी करके पेट पालते, फटे पुराने कपड़े पहनते, उन्हें चोर डाकू आवारा समझकर थर लिया जाता है। ये पूंजीपति, ये काले बाजार वाले सेठ, ये मुनाफाखोर, ये ब्याज लेने वाले, ये सब कौन है? मेरी तरह चोर। मालूम होता है स्टॉक एक्सचेंज या किसी बैंक में काम करते। बस यही समझ लीजिए कि रुपए का लेन देन ही मेरा धंधा है, और बैंकों में तो हमारा रोज ही आना जाना रहता है। बैठे ना। अच्छा ये तो बताइए, आपका नाम क्या है? अच्छा ये तो बताइए, ये तस्वीर किसकी है? मेरी। जी, जब मैं छोटी सी थी, ये तस्वीर मेरी सालगिरह पर खिंचवाई गई थी। आपका नाम? रीता। क्यों?
रीता देवी, क्या आप मेरे घर चल सकते हैं? मैं आपने अजीब और अनूठी चीज दिखाना चाहता हूँ। मेरी माँ आपसे मिलकर बहुत खुश होगी। चलिए। राज, रीता, तुम 12 वर्ष के बाद कितने बदल गए हो तुम? और तुम जरा भी नहीं बदले। कहाँ खो गए थे राज? तुम्हारी तलाश में। आखिर तुम मिली गई। और तुम मिले भी तो मैं तुम्हें चोर समझी। इसमें तुम्हारा कसूर नहीं, मेरी सूरत ही ऐसी है। सब आ गए। अब आए हैं आप इतनी देर कर? जानते हैं डॉक्टर ने कहा है कि कोर्ट के बाद कम से कम 1 घंटा आपको घर आके आराम करना चाहिए, मगर आप हैं जो मानते ही नहीं, जब भी तो इतने थके हुए नजर आ रहे हैं। हेलो रीता। हेलो रीता, आप यहाँ बैठिए, मैं आपका स्लीपर और गाउन लेकर आती हूँ। अच्छा बताइए तो इतनी देर कहाँ रहे? लॉ कॉलेज में लेक्चर था, कोर्ट से सीधा ही वहीं चला गया। बकबक करते सर में दर्द होने लगा।
वो तो होगा। जानते हैं डॉक्टर ने कहा है कि आपको खाना 8 बजे से पहले खा लेना चाहिए, और अब 9:30 बजने वाले। सुन लीजिए, घड़ी भी आपको डांट रही है। चलिए। अच्छा तुम अपनी सुनो, शाम को क्या करती थी? कुछ तो ऐसी लगती हो जैसे कोई खोया हुआ खजाना हाथ लग गया। यूं ही समझ लीजिए, खोया हुआ दोस्त भी तो खजाने से कम नहीं होता। जैसा हम आप राज से मिलकर बहुत खुश होंगे, उसे जरूर पसंद करेंगे। लेकिन ये मिस्टर राज है कौन? क्या करते हैं? कहाँ रहते हैं? किस खानदान से? वो मेरे बचपन का दोस्त है, हम साथ ही स्कूल में पढ़े। आज पूरे 12 बरस के बाद मिला है। 12 बरस के बाद? इतने दिनों में तो बहुत से लोग बदल जाते हैं। राज भी बहुत बदल गया है। स्कूल में तो बड़ा चुपचाप हुआ करता था, अब बड़ा मजाकिया हो गया। मैंने पूछा करते क्या हो, कहने लगा चोरी। हो सकता है ये मजाक ना हो। जी, मैं आपका मतलब नहीं समझी। कुछ नहीं, यूं ही। तुम तो जानती हो आजकल के नौजवानों को, क्या मालूम इस घर की कोई कीमती चीज उठाकर ले जाए। पानी गहरा है, डूब जाओगे। हम तो डूबेंगे शर्म, तुमको भी लेट डूबेंगे। अच्छा जी, ये लो। अच्छा ये बात, मेम साहब अभी हुआ नहीं तुम्हारा सिंगार? ए, कहां चले आ रहे हो? जानते नहीं जब कोई लड़की कपड़े बदल रही हो तो वहां शरीफ आदमी नहीं आया करते। जी नहीं, मैं क्या जानता। मैं शरीफ नहीं हूं। जंगली के हाथ आने वाली नहीं। बोला, भागकर कहां जाओगी? छोड़ो मेरा हाथ, ये कहां का औंधा मजाक है। जंगली कहीं के,
मैं जंगली हूँ। हाँ हाँ जंगली 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 हूँ, गरीब अनपढ़ आवारा हूँ। मुझे शायद एक नाजुक तितली को छूने की तमीज नहीं। मेरे सख्त हाथों से तुम्हारे फूल से बदन को ठेस लगती है। मैंने माँ से पहले कहा था कि बचपन के दिन और बचपन के साथी फिर कभी लौट कर नहीं आए। अच्छा वो तुमने मुझे मेरा नीचा कच्चा याद दिला दिया। मजाक की बात सब बिगड़ गई। मारना चाहते लो मार। किसे मार? तुम्हें या अपने आप को? ए ए खुश नहीं? कहाँ हो? कहाँ लौटा? कहाँ? मेरे पास। क्यों? शर्म नहीं आती तुम्हें? क्या देख रहे हैं चांद? बात है। क्या परेशानी है तुम्हें जो तुम चांद नहीं काले बादल देख रहे हो? मुझे नहीं बताओगे? तुम्हारे सिवा किसे बता सकता हूँ रीता? हम बराबर इस बात मिले फिर बराबर इसमें बहुत कुछ बदल जाता है। जानते हो जज साहब भी यही कहते हैं पर मैं नहीं मानती। यही देखो ना, हमारी दोस्ती नहीं बदली। जज साहब ठीक कहते हैं, मेरे बारे में कुछ भी तो नहीं जानते। कौन टकरा कहा हूं, किस खानदान से, क्या करता रहा, क्या करता हूं, कुछ भी नहीं जानती तुम मेरे बारे में। और न मैं जानना चाहती, बस इतना जानती कि तुम हो और मैं तुम्हें। रीता कितनी अच्छी हो तुम, कितनी भोली हो, और तुम कितने बुद्धू जंगली। चांद तुमसे नहीं बोल वो देखो बादल। मेरे चांद पर से हट रहे। जानते हो मेरी सालगिरह है? कौन सी? दसवीं ग्यारहवीं? किसी लड़की से ये सवाल नहीं किया करते। खैर हम तुम्हें कान में बता दें। 21वीं? नहीं, देख रहा है कौन? वो तुम हर जो उधर मुंह फेरे पर जो उधर मुंह फेरे वो चंदा मैं उनसे प्यार कर लूंगी, बातें हजार कर लूंगी। दम पर जो उधर मुंह फेरे वो चंदा मैं उनसे प्यार कर लूंगी, बातें हजार।
है प्यार के सजदे और मैं भी उनके साथ, चांद पर चंदा रोज ही देखे मेरी पहली रात हो, मेरी पहली रात। बादल में अब छुप जा रे ओ चंदा, मैं उनसे प्यार कर लूंगी, बातें हजार कर लूंगी। दम भर जो इधर मुंह तेरे, दम भर जो इधर मुंह तेरे ओ चंदा, मैं उनसे प्यार कर लूंगा, नजरें तो तार कर लूंगा। मैं चोर हूँ काम है चोरी, मैं चोर हूँ काम है चोरी, दुनिया में हूँ बदनाम, दिल को चुराता आया हूँ मैं, यही मेरा काम हो, यही मेरा काम। आना तू गवाही देने ओ चंदा, मैं उनसे प्यार कर लूंगा, नजरें तो चार कर लूंगा। दिल को चुरा के खो मत जाना, दिल को चुरा के खो मत जाना, राह न जाना भूल, इन कदमों से कुचल न देना, मेरे दिल का फूल हो, मेरे दिल का फूल। ये बात उन्हें समझा दे ओ चंदा, मैं उनसे प्यार कर लूंगी, बातें हजार कर लूंगी। दम भर जो इधर मुंह तेरे ओ चंदा, मैं उनसे प्यार कर लूंगा, नजरें तो तार कर लूंगा। दम भर जो उधर मुंह तेरे, अगर एक कदम भी आगे बढ़ाया तो कश्ती उलटकर डूब जाएगी। तो फिर डूब जाने तो कश्ती को। रीता जी, जी सर, नहीं चाहिए। लेकिन जैसा आप डॉक्टर ने कहा है, खाना मुझे 8 बजे खा लेना चाहिए। आज घड़ी मुझे डांट रही है। आप मुझसे बहुत नाराज हैं ना?
मैं आज राज के साथ। राज कोई गैर नहीं जज साहब, वो मेरा बचपन का साथी है। मैं तुम्हारे पिता के स्वर्गवास से पहले मैंने उनसे वादा किया था कि उम्र भर तुम्हारी देखभाल करूंगा। वादा करो कि अगर कोई लड़का तुम्हें या तुम किसी को पसंद करो तो मुझसे पूछे बिना हाँ नहीं करोगे। जी सर, मैं जानती हूँ कि आपके मुझ पर बहुत एहसान, मगर इसका ये मतलब नहीं कि आप मुझे बार बार। दादा, पहचान लिया तुमने, बड़ी कृपा है, वरना आजकल तुम्हें फुर्सत कहाँ है। क्यों बेटा, प्रेम जाल में फंस रहा है या जेल के डर के मारे पुराना काम धंधा छोड़ दिया? तुम क्या जानो दादा, तुम्हारे लिए कितना बढ़िया प्रोग्राम बनाया है, बड़े मालदार की लड़की है, तो चार दिनों में देखो हीरे के हार की ताक में। शाबाश, मैं पहले जानता था तू बेकार घूमने वाला नहीं है, लेकिन याद रख अगर जग्गा को धोखा देने की कोशिश की तो और ना मैं जानना चाहती, बस इतना जानती कि तुम हो और मैं तुम्हें। सच रीत, याद रख अगर तूने जग्गा को धोखा देने की कोशिश की तो।
जिंदगी जिंदगी ये नहीं जिंदगी। जिंदगी की ये चिता में जिंदा जल रहा हूँ हाय, सांस के ये आग के ये तीर तीरते हैं यार बार हार। मुझको ये न रखना चाहिए, मुझको फूल मुझको पीत चाहिए, मुझको चाहिए महार, मुझको चाहिए महार, मुझको चाहिए महार, मुझको चाहिए महार।
मुझे बचाओ माँ। राजू माँ मैं अच्छा बनूंगा, मैं अच्छा बनूंगा माँ। मैं तुम्हें वचन देता हूँ जग्गा और उस जैसों से कोई वास्ता नहीं रखूंगा माँ। मैं भूखा मर जाऊंगा, मैं चोरी नहीं करूंगा, मैं अच्छा बनूंगा माँ। लोग मुझे अच्छा कहेंगे, हम अपने गरीब झोंपड़े में चले जाएंगे, मेहनत मजदूरी से अपना पेट पालेंगे। मैं चोरी नहीं करूंगा माँ, मैं चोरी नहीं करूंगा। मुझे मन की शांति और माँ के आशीर्वाद के सिवा कुछ नहीं चाहिए। मैं चोरी नहीं करूंगा माँ, मैं अच्छा बनूंगा। नौकरी से निकाल दिया जाता है, अब हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है जी। चलो चलो गेट आउट, हम चोर चुटकों को काम पे नहीं रख सकते। एक बात पूछना चाहता हूँ सर, अगर चोर चुटकों को आप काम पर नहीं रखना चाहते तो क्या आप ये चाहते हैं कि वो हमेशा चोरी डाके से ही अपना पेट भरते रहे? गेट आउट। राज, राज, क्यों? नौकरी से निकाल दिया? चल, चल, मैं बुला रहा, चल। राज, क्या जवाब दूं दादा को मैं? ये जवाब दो दादा। चोरी नहीं करेगा तो भूखो मरेगा। कब तक चोरी नहीं करेगा? अपराध के सिवाय उसके लिए सब रास्ते बंद हैं। मैं देखता हूँ जाता किधर है। कहाँ जा रहे हो? रीता से मिलने। तुम अंदर नहीं जा सकते, जज साहब का हुक्म है। जज साहब का हुक्म है। तो फिर उनसे जाके कहो कि राज उनसे मिलने आया है, बाहर आए, मुझे उनसे बहुत कुछ कहना। जा जा, वो किसी से नहीं मिल सकती, अपना रास्ता देखो। अपना रास्ता देखो, कौन सा रास्ता? तुम्ही से बातें करें, कितनी अजीब बात है। तू भी आवारा है, मैं भी आवारा हूं। तू भी बेनाम, मैं भी बेनाम। तू भी बेघर, मेरा भी कोई घर बार नहीं। मेरी तरह तू भी प्यार का भूखा है। फर्क सिर्फ इतना है कि तू जानवर है और मैं इंसान। इंसान मेरे पास कुछ नहीं तुम्हें देने के लिए, सिर्फ प्यार दे सकता हूं। देख के क्यों नहीं चलते?
अंदर क्या क्या बकता है, जबान संभाल के बात कर जंगली कहीं का। मैं जंगली हूं सड़क का कुत्ता हूं जिसका जी चाहे मुझे ठोकर मार दे। पियानो ठीक करने वाले? आपके नौकर का ख्याल है कि मैं पियानो ठीक करने वाला हूँ। अब डूब गए
रीता, 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 लो ये इनविटेशन कार्ड सबके आगे, परसों तुम्हारी सालगिरह की पार्टी है ना, जिन दिन दोस्तों को बुलाना चाहती हो भेज। सब दोस्तों को हाँ सब जो तुम्हारे दोस्त बनने के काबिल है। आज तुम्हारी सालगिरह है, क्यों राज? तुमने मुझे कोई भेंट नहीं दी? मेरे पास खरीदने के लिए पैसे नहीं, फिर कभी दे दूंगा। तो क्या सिर्फ बाजार में खरीदी हुई चीज ही भेंट दी जाती है? तुम मुझे ये फूल भी दे सकते हो? जी तुम अगर याद रखना, एक ना एक दिन मैं बहुत से रुपए कमाकर तुम्हारे लिए भेंट ला कर दूंगा, इन सब चीजों से बढ़िया। आ गए तुम, मैं जानता था तुम एक दिन जरूर आओगे। सारी दुनिया में यही एक दरवाजा तुम्हारे लिए खुला रह गया है। मुझे 1,000 रुपया चाहिए कर्ज, मैं कमा कर वापस कर दूंगा। कर्ज? क्या मुझे सेठ साहूकार समझाए? आज गीता की सालगिरह की पार्टी है, ये देखो उसने मुझे बुलाया है। दादा वो मुझे शरीफ समझती है। और शरीफ बनने के लिए तुम्हें अच्छे कपड़े चाहिए, और अपनी शराफत का सबूत देने के लिए मिस्सी बाबा को भेंट भी देनी होगी। तो शराफत बाजार में देख रही है और तुम उसके खरीदार हो, मगर शरीफ बनने के लिए रुपया चाहिए, 1,000 रुपया। और इस 1,000 रुपए के लिए तुम्हें हमारे साथ चोरी करनी पड़ेगी, टाका डालना पड़ेगा, मुमकिन है किसी का खून करना पड़े। मंजूर है? नहीं नहीं, मैं चोरी नहीं करूंगा, अब मैं अपराध के रास्ते पे नहीं चलूंगा। तो और किस रास्ते पे चलेगा? जो एक बार अपराधी बन जाए वो फिर कभी शरीफ नहीं बन सकता, चाहे कितना ही भेस क्यों ना बदले। तेरे मुंह पर तो अपराध की छाप लग चुकी है, तू काम करके देख चुका है, तेरे नसीब में मेहनत की रोटी नहीं, तेरे लिए एक ही रास्ता है, चोरी का, अपराध का, वही जो मेरा रास्ता है। तेरे बाप की मेहरबानी से करता हूं देखकर चलने की, अगर क्या करूं आप जैसे बड़े आदमी रास्ते में आ जाते हैं। तेज मालूम होते हो।
जरा हमारे रफ्तार को आवाज दे। ये चक्कू देखा? मैं बताऊं? एक बात बताओ, क्या किसे ढूंढ रही हो? बताओ। वो देखो, राज, 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 राज तो आ गए। किसी साथ नहीं पाए को। ये लो, तुम्हारी भेंट। ये तुमने क्या की? हंसी हंसी में इतना कीमती हार खरीद लाए। तुम्हें भेंट देने के लिए दुनिया की कोई भी चीज कीमती नहीं, और फिर ये तो चुरा कर लाया हूं। चुरा कर? आकाश के उन सितारों से। लेकिन तुम भी कितने जंगली? और क्या, जंगली तो हो ही। न जाने कितने 100 रुपए का हार खरीद लाए, लेकिन ये न किया कि 2-4 रुपए का मखमल का डब्बा भी लिया था। वो डब्बा? रीता, रीता, कैसा बढ़ा रहे हैं, जल्दी समय। चलो आज तुम्हें जैसे आप से मिला है। चलो आओ रीता, हम भी तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। पहले आप मेरा प्रेजेंट दिलवाइए। ये लो, देखिए तुम्हें पसंद ही आता है या नहीं। क्यों, अच्छा नहीं? आज का दिन भी अजीब है। कोई डब्बा लाता है तो नेकलेस नहीं, और कोई नेकलेस लाता है तो डब्बा नहीं। प्यार किया उसे नजर को चार किया, हाय रे हमने ये क्या किया, हाय क्या किया। एक बेवफा से प्यार किया उसे नजर को चार किया, हाय रे हमने ये क्या किया, हाय क्या किया। Thank you.
प्यार किया, हाय रे हमने ये क्या किया, हाय क्या किया। एक बेवफा से प्यार किया, उसे नजर को चार किया, हाय रे हमने ये क्या किया, हाय क्या किया। दे गई धोखा हमें नीली नीली आँखें, नीली नीली आँखें। दे गई धोखा हमें नीली नीली आँखें, नीली नीली आँखें। सुनी है दिल की मैं भीगी भीगी आँखें, भीगी भीगी आँखें। ओए हमने एतबार किया, उल्फत का इकरार किया, हाय रे हमने ये क्या किया, हाय क्या किया। एक बेवफा से प्यार किया, उसे नजर को चार किया, हाय रे हमने ये क्या किया, हाय क्या किया। रीता, तूने ये क्या किया, एक चोर को दिल दे बैठे, और आज तुम नहीं। क्या किसी की भेंट पसंद नहीं आई? जैसा मैं उसकी भेंट उसे वापस करने जा रही हूं। रीटा, हो सके तो उसे अपने साथ लेती आना, मैं उससे मिलना चाहता हूं। मेरा राज बुरा नहीं है बेटी, वो भटक गया है, उसे प्यार चाहिए जो उसे सहारा दे और सही रास्ते पर ले आए। वो तुम्हारी इज्जत करता है बेटी, अगर तुम चाहो तो मेरा राज बच सकता है। राज घर नहीं आया? नहीं बेटी, सुबह का गया, अभी तक नहीं आया। अच्छा माँ, मोहब्बत करके सनम, हम तुझसे मोहब्बत करके सनम, रोते भी रहे हंसते भी रहे, रोते भी रहे हंसते भी रहे, खुश हो के सहे उल्फत के सितम, खुश हो के सहे उल्फत के सितम, रोते भी रहे हंसते भी रहे, रोते भी रहे हंसते भी रहे। है दिल की लगी क्या तुझको खबर, एक दर्द उठा थर आई नजर, है दिल की लगी क्या तुझको खबर, एक दर्द उठा थर आई नजर, थर आई नजर। खामोश थे हम, खामोश थे हम,
इस गम की कसम, रोते भी रहे हंसते भी रहे, रोते भी रहे हंसते भी रहे। ये दिल जो जला एक आग लगी, आंसू जो बहे बरसात हुई, ये दिल जो जला एक आग लगी, बहे बरसात हुई, बरसात हुई। बादल की तरह, बादल की तरह आवारा थे हम, रोते भी रहे हंसते भी रहे, रोते भी रहे हंसते भी रहे। हम तुझसे मोहब्बत करके सनम, हम तुझसे मोहब्बत करके सनम, रोते भी रहे हंसते भी रहे, रोते भी रहे हंसते भी रहे। राज पुलिस को साथ देते हैं, कड़वी बातें करने से कोई फायदा नहीं। राज मुझे माता जी ने सब कुछ बता दिया है। सो तुम जानती हो मैं आवारा जेल जा चुका हूं, पुलिस के रजिस्टर में मेरा नाम है, यही देने आई हूं। मुझे समझने की कोशिश करो राजू, मैं तुम्हें अब भी अपना दोस्त समझती हूं। दोस्त? एडवोकेट की लड़की, एक जज की वार्ड, एक आवारा और बदमाश को दोस्त समझती है? क्या कहेगी तुम्हारी सोसाइटी, क्या कहेंगे तुम्हारे लोग, क्या कहेगा तुम्हारा समाज? तुम अपना पुराना रास्ता छोड़ दोगे, समाज भी तुम्हारा पिछला जीवन भूल जाएगा। राज, राजू राजू तुम अपनी एक नई जिंदगी बना सकते हो, राजू तुम एक नई जिंदगी बना सकते हो। नई जिंदगी किन बुनियादों पर बना सकता हूं? क्या तुम मुझे मेरा बचपन वापस दे सकती हो? क्या तुम मुझे वो शिक्षा दे सकती हो जो मुझे नहीं मिली? दुनिया कहती है कि मेरा कोई बाप नहीं, मेरा कोई नाम नहीं, मेरी कोई इज्जत नहीं। क्या तुम मुझे मेरा बाप वापस दे सकती हो, मेरा नाम वापस दे सकती हो, मेरी इज्जत वापस दे सकती हो? बोलो रीता, चुप क्यों? रीता, मैंने तुझे धोखे में रखा, मैंने अपने आप को भी धोखे में रखा। मुझे भूल जाओ रीता, मुझे अपने हाल पे छोड़ दो, मैं तुम्हारे काबिल नहीं। तुम जानबूझकर उसी नर्क में रहना चाहते हो, मैं नहीं जानती थी तुम इतने कम हिम्मत और बुजदिल हो। रीता ये ना समझना कि मैंने इस नर्क से निकलने की कोशिश नहीं, मगर तुम ही बताओ कि मैं क्या करूं। 12 बरस ये दुनिया मुझे अपराध की तरफ धकेल रही है, मैं अकेला इसका मुकाबला नहीं कर सकता रीता, मैं अकेला इसका मुकाबला नहीं कर सकता। मगर तुम अकेले नहीं हो राज, तुम्हारे साथ माता जी, मैं हूं। तुम मेरे साथ हो, एक अपराधी के साथ? हाँ राज, हमेशा के लिए तुम्हारे साथ। अच्छे हो, बुरे हो, निर्दोष हो, अपराधी हो, जो भी हो तुम मेरे हो। ये दिल का सौदा है राजू, जो कानून के तराजू में नहीं तोला जाता। मगर ये कलंक जो हमेशा के लिए मेरे माथे पे लगा हुआ है, मैं इसे सिंदूर समझकर अपनी मांग में लगा लूंगी। सच रीता? चलो मेरे साथ। कहाँ? जिस साहब तुमसे मिलना चाहते हैं। कैसा?
नाम? राज। बस राज? जी। तुम्हारे बाप का नाम? मुझे नहीं मालूम। समझा। क्या काम करते हो? आजकल बेकार हूं, लाखों और नौजवानों की तरह। और कोई आमदनी? जायदाद? कुछ नहीं। याद पड़ता है बहुत बरस पहले तुम बूट पॉलिश किया करते थे। जी हाँ, अब भी करता। और चाहते हो रीता से शादी करना? जी हाँ, अगर आपकी इजाजत हो तो। कई बार जेल भी जा चुके हो। रीता ने आपको यह भी बताया होगा कि अब मैंने तौबा कर ली है। क्या आमदनी का कोई दूसरा जरिया निकला है? जी नहीं तो। मगर उम्मीद तो है ना, अगर कोई बेवकूफ अमीर लड़की तुमसे शादी करने पर तैयार हो जाए। क्या आपने मेरा अपमान करने के लिए मुझे बुलाया है? कैसा, हम एक दूसरे से प्रेम करते हैं, शादी करना चाहते हैं। ये सब मैं सुन चुका हूं। प्रेम? बैठ जाओ और ठंडे दिमाग से काम की बात करो। क्या मतलब है आपका? मतलब ये है कि न जाने किस तरह तुमने एक भोली लड़की को अपनी मोहब्बत के जाल में फंसा लिया है। इसके लिए तुमने ये खेल खेला है वो साफ है। मैं जानना चाहता हूं कि इसे छोड़ने के लिए तुम्हारी कीमत क्या है। जज रघुनाथ, आज तक मैं अपने आप को दुनिया का सबसे बुरा, सबसे कमीना और आवारा आदमी समझता रहा, मगर मानना पड़ता है तुम मेरे भी बाप निकले। बदतमीज, अपनी गंदी बाजारी जबान पर उतरा है और फिर तू समझता है कि तुझ जैसे आवारा के साथ मैं रीता को शादी की इजाजत दे दूंगा। तो जैसे शादी करने से बेहतर है कि उम्र भर कवार ही रहे या मर जाए। क्यों नहीं कहते कि मुझसे शादी करने से बेहतर है वो किसी बड़े आदमी से शादी करे, किसी अमीर आदमी से या किसी चज से। निकल जाओ, गेट आउट। जाने से पहले एक सवाल पूछना चाहता हूं। अगर आज मेरी बजाय इस जगह तुम्हारा बेटा होता और उससे जिंदगी, इंसानियत और मोहब्बत के अधिकार छीन लिए जाते सिर्फ इसलिए कि वो गरीब है, गंदी नालियों में पला है, दुनिया हमेशा उसे अपराध की तरफ धकेलती रही है, तब तुम्हारे दिल पर क्या गुजरती? राज, 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 जग्गा दादा ने बुलाया है, बहुत बड़ा प्रोग्राम है, एक बैंक का सफाया है। दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। कौन है? दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। कौन है? खोलो। कौन हो तुम? मुझे नहीं पहचानती आज की मां। जग्गा,
काम है। पुलिस मेरा पीछा कर रही है। राज कहाँ है? निकल जाओ मेरे घर से। मैं तुम्हारे जैसे आदमी की कोई मदद नहीं कर सकती। याद है वो दिन जब तू मेरे पास में थी और मैंने तुझे छोड़ दिया था। 12 बरस से तेरे लड़के को सिखा पढ़ाकर उसका जीवन बनाया इसी दिन के लिए। तूने मेरे बेटे का जीवन बनाया है। तूने उसे पाप के नरक में धकेला है। निकल जा मेरे घर से। मैं नहीं चाहती कि तेरी अशुभ छाया मेरे बेटे पर पड़े। निकल जा मेरे घर से। पुलिस, पुलिस! चेला गुरु का मुकाबला करेगा? तू गुरु नहीं, शैतान है। शैतान, अपराधी को हाजिर किया जाए। मुल्जिम का नाम? हुजूर, इसका नाम है राज। बाप का नाम? नहीं मालूम सरकार, शायद होगा ही नहीं। ऑर्डर। मुल्जिम राज, बाप ना मालूम, तुम पर जग्गा के कत्ल का इल्जाम लगाया गया है। क्या तुम्हें इस बारे में कुछ कहना है? क्या तुमने अपनी सफाई के लिए कोई वकील मुकर्रर किया है? मुकदमा मुलतवी किया जाता है। सरकार की तरफ से मुलजिम की सफाई के लिए एक वकील मुकर्रर किया जाए। मैं कानून जानती हूँ। राज ने आपकी जान बचाने के लिए उस गुंडे का खून किया। ये कोई अपराध नहीं है। तो बेटे, किसी तरह मेरे राज को बचा। आपकी गवाही बहुत जरूरी है, उसी से सारा मामला साफ हो सकता है। आप कल अदालत में आ जाइए। अच्छा। Thank you.
नाथ। अरे बिचारी के सर पर बहुत चोट आई है और राज ने मेरी जान बचाने के लिए जग्गा का खून किया। आप यहाँ दस्तखत कर दीजिए, इस बयान से राज जरूर बच जाएगा। राज बच जाएगा फिर मैं शांति से मर सकती हूँ। अच्छा मैं जाती हूँ। माँ, माँ, बेटा, ये तुम्हें क्या हो गया माँ? बेटा, उस निर्दयी जज ने तुम्हें मार डाला माँ, न जाने उसे हमारे साथ कब की दुश्मनी है। उन्हें कुछ मत कहो बेटा। क्यों ना कहो, वो हमेशा हमें दुख देता चला आया है माँ। ना बेटा ना, वो तुम्हारे पिता हैं। मेरे पिता? क्या कह रही हो माँ, तुम्हें क्या हो गया है? मैं पागल नहीं हुई बेटा, ठीक कह रहे हो, ये बात मैं आज तक न कह सकी। अगर आज भी न बताया तो मेरे बात तुम्हें कौन बताएगा बेटा? ये नहीं हो सकता माँ, ये नहीं हो सकता। ये एक लंबी कहानी है बेटा, अब मेरे पास वक्त नहीं। ये लो, मैं अब जा रही हूँ, पर इससे वो तुम्हें जरूर पहचान लेंगे। मुझे तो उन्होंने उम्र भर क्षमा नहीं किया, पर अपने बेटे को जरूर माफ कर देंगे। जिसने सारी उम्र मेरी माँ को दुख दिया, उसे दर दर के टोकरे खिलवाई, मुझे उसकी क्षमा नहीं चाहिए माँ, मुझे उसकी क्षमा नहीं चाहिए। एक बार मरने से पहले उनके दर्शन हो जाते, पर वो यहाँ क्यों आने लगे? चलो, अच्छा मैं जाता हूँ। बेटा, मैं तुम्हारा बदला जरूर लूंगा। नहीं बेटा, मैं तुम्हारा बदला जरूर लूंगा पा। नहीं बेटा, बेटा। देखो जज साहब आए हैं तुम्हारा हाल पूछने। जज साहब? कौन से जज साहब? जिनकी गाड़ी के नीचे तुम आ गई थी। मेरे मरण से पहले वो आ ही गए, हाय मैं देख नहीं सकती। नर्स, उनको मेरा नमस्कार कह दो। देवी, इस एक्सीडेंट के लिए मैं शर्मिंदा, मुझे क्षमा कर। देवी, क्षमा? डॉक्टर, जज ने तुझे मार डाला ताकि दुनिया के सामने उसका फाटा ना फूट जाए। जैसा
जज साहब, मुकदमे का क्या फैसला किया आपने? मुकदमा? जी, राज का मुकदमा। तुम तो पागल हो गई हो, ये क्या हालत बना रखी है आपने? तुम एक पढ़ी लिखी समझदार लड़की हो, दो तीन दिन में एडवोकेट बनकर कोर्ट जाने वाली है, मुमकिन है एक दिन तुम खुद जज बनो। अगर तुम इस तरह हर मुकदमे पर आंसू बहाने लगी तो फिर इंसाफ किस तरह कर सको? ये मुकदमा नहीं जैसा, मेरी जिंदगी है। क्या आप इतना भी नहीं समझते? मेरे समझने न समझने से कानून तो नहीं बदल सकते, और ना ही तुम्हारे आंसुओं को इंसाफ के रास्ते में आना चाहिए। तो मैं इंसाफ ही तो चाहती हूँ जज साहब। इस केस में राज बिल्कुल निर्दोष है, उसने जग्गा को मारा है तो सिर्फ अपनी माँ की जान बचाने के लिए। आप राज की माँ का बयान पढ़ लीजिए जो उसने मरते वक्त दिया है। हो सकता है इस खास केस में राज माफी के काबिल हो, लेकिन उसका सारा जीवन पाप और अपराध की एक लंबी कहानी। मेरी समझ में नहीं आता कि तुम ऐसे आदमी से कैसे हमदर्दी रख सकती, कैसे कैसे प्यार कर सकती। तुमने तो कानून पढ़ा है, लेकिन जैसा मेरे दिल ने कानून नहीं पढ़ा। दिल और कानून, कानून और दिल, एक अजीब गोरख धंधा। पर तुम ठीक कहती हो रीता, दिल कानून को नहीं मानता, किसी कानून को नहीं मानता, मेरा दिल भी। दिलचस्पी होगी कि अभी अभी तुम्हारी काबिल वकील ने तुम्हारे निर्दोष होने का यकीन दिला दिया था, और कल मुमकिन था मैं तुम्हें छोड़ देता। मुझे तुम्हारी दया नहीं चाहिए, तुम्हारा इंसाफ, तुम्हारा कानून कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ बस डर गए। कत्ल करने के लिए भी हिम्मत चाहिए साहेबजादे। किसी की जान कुरबान दो जिसने इस वक्त तुम्हारी जान बचा ली, और अब अगर मैं यही चाकू तुम्हारे सीने में उतार दूं, कोई अदालत सिवाय इसके और क्या फैसला कर सकती कि जज रघुनाथ जान बचाने के लिए गुंडे को मारने के लिए मजबूर हो गया है। जैसा क्या भी पागल हो गए जैसा? हो गया था एक सेकंड के लिए, लेकिन ऐसे घटिया दर्जे के गुंडे के लिए फांसी की रस्सी अच्छी रहेगी। राज, राज, यह है मुल्जिम राज के अपराधी जीवन की कहानी। अब आप जानते हैं कि वो क्यों और किस तरह पाप के रास्ते पे पड़ गया। जनाबे वाला, अपराधी वो नहीं, अपराधी उसका बाप है जिसने एक निर्दोष स्त्री को घर से निकालकर खुद अपने बच्चे को बेआसरा कर दिया, उसे दर दर की ठोकरें खिलवाई, यहां तक के शहर की गंदी गलियों में बदमाशों और गुंडों की संगत में आवारा हो गया। जनाबे वाला और मेंबराने जूरी, अगर राज को उसके अपराध की सजा दी जाती है तो मैं कहूंगी उसके बाप को भी सजा मिलनी चाहिए। जनाबे वाला, मैं कुछ अर्ज करना चाहता हूं, शायद अपने दिल से मजबूर होकर वकील सफाई ने मुलजम को बचाने के लिए एक दिलचस्प मगर मनगढ़ंत कहानी सुनाई जिसमें एक जन के आवारा गुंडे को मेरा बेटा साबित करने की कोशिश की गई। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि वकील सफाई के पास इसका सबूत क्या है? दुनिया का कोई सबूत आपको यकीन नहीं दिला सकता कि राज आपका बेटा है, अगर आपका दिल उसे बेटा मानने के लिए तैयार नहीं। जज रघुनाथ, अगर कोई सबूत है तो वह आपके मन में है,
और राज की आंखों में देखिए उसकी तरफ, बिल्कुल आप ही जैसी आंखें, वैसा ही चौड़ा माथा, आप ही की तरह बोलता है और आप ही की तरह जिद्दी। क्या भी आपका दिल उसे बेटा मानने के लिए तैयार नहीं? रीता देवी, कानून दिल को नहीं मानता। जनाबे वाला, दिल भी किसी कानून को नहीं मानता। बस मुझे और कुछ नहीं कहना। मुल्ज़िम राज, अगर तुम्हें अपनी सफाई में कुछ कहना है तो इजाजत दी जाती है। जी हाँ, कातिल बनने के बाद कम से कम इतनी आजादी तो मिली कि अपनी आवाज आपके कानों तक पहुंचा सके। पहले कभी हमारी सुनी होती तो शायद आज मैं इस कटहरे में खड़ा नजर ना आता। रीता देवी ने मुझे फांसी से बचाने की बहुत कोशिश की, इस मुकदमे में ही नहीं, मेरी जिंदगी में भी। मगर मैं अपनी सफाई में कुछ कहना नहीं चाहता। मैं बुरा हूं, बचपन से आवारा हूं, खूनी हूं, अपराधी हूं। आप जो चाहे मुझे सजा दे सकते हैं, मगर क्या आप समझते हैं कि मुझे फांसी देने से ये पाप, क्रोध, हिंसा और अपराध का जहर जो आपकी दुनिया में फैला हुआ है ये दूर हो जाएगा? मैं आपको अपनी जीवन कथा सुनाना नहीं चाहता, मगर इतना जरूर कहना चाहता हूं कि अपराध के कीड़े मुझे खून में अपने मां बाप से नहीं मिले थे, उस गंदे गटर से मिले थे जो हमारी गंदी चाल के पास से बहता है। वो गटर आज भी वहां बह रहा है और अपराध के कीड़े अब भी उसमें पल रहे हैं, और सैकड़ों हजारों गरीब बच्चे जो आसपास की चालों में रहते हैं रोजाना इन कीड़ों के शिकार हो रहे हैं। मेरी फिक्र ना कीजिए, उन बच्चों की फिक्र कीजिए, अपने बच्चों की फिक्र कीजिए। ऐसा ना हो कि एक दिन आप और आप और आप और आपका बच्चा भी मेरी तरह इस कटहरे में बार बार कह के मेरी रगों में बड़े शरीफ बाप का खून है। कभी मैं भी आपके बच्चों की तरह हसमुख और मासूम था, सब माओ की तरह मेरी माँ भी सुनहरे सपने देखा करती थी, कहा करती थी कि मेरा बेटा बड़ा होकर पहले वकील बनेगा, फिर मैजिस्ट्रेट और फिर जज। अपने बाप की तरह मैं जानता हूं उस अदालत का फैसला क्या होगा और मैं हर सजा भुगतने के लिए तैयार हूं। मेरे पापों का यही प्रायश्चित है, मगर मुझे एक और अदालत के फैसले का इंतजार है। मैं जानना चाहता हूं जज रघुनाथ, तुम्हारे मन की अदालत का क्या फैसला है? तुम्हारे मन की अदालत का क्या फैसला है? जज अपराधी से मिलने आया है। एक बाप, एक अपराधी, अपराधी आप? हाँ, कल कानून तुम्हें अपराधी ठहरा सकता है, लेकिन भगवान की अदालत में अपराधी मैं हूं।
तुम रो रहे हो? हाँ रो रहा हूं, उस बाप के नसीब पर जो बेटा पाकर भी उसे खो बैठा, जिसने अपने हाथों से अपनी बीवी का सुहाग उजाड़ दिया। उस दुनिया के हाल पर जहां गरीबी की गोद में अपराध पलता है, बाप के होते हुए भी लड़का अनाथ कहलाता है और उम्र भर तरसता रहता कि कोई उसे बेटा कहकर पुकारे। बेटा, राज वंदे जज रघुनाथ, तुम पर अपने पिता जज रघुनाथ को कत्ल करने की कोशिश का जुर्म साबित हो चुका है, लेकिन तुम्हारी जिंदगी के अजीब और दर्द भरे हालात का ख्याल करते हुए जो तुम्हारी वकील रीता देवी ने अदालत के सामने रखे हैं, यह अदालत तुम्हें सिर्फ 3 बरस कैद बामुशक्कत की सजा देती। नहीं रोते, इस तरह तुम्हारी वकालत कैसे चलेगी? मेरी वकालत किस काम की राजू, जब मैं तुम्हें न बचा सकी। नहीं रीत, ये प्राश्चित मेरे लिए बहुत जरूरी था, इसके बाद ही तो मैं तुम्हारे काबिल बन सकूंगा। तुम मेरे साथ हो तो मैं सब कुछ कर सकता हूं, मैं अच्छा बनूंगा, लोग मुझे अच्छा कहेंगे, मैं पढ़ूंगा लिखूंगा जैसे मां कहा करती थी, पहले वकील फिर मजिस्ट्रेट। कल रात एक जज को देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं जज बनूंगा। तो तुम मुझे चंगी नहीं कहो? टाइम हो गया, चलो। घबराओ नहीं, ये चोरी का नहीं, सिर्फ चोरी से अंदर लाया था। राज, रीता, तुम्हारा कसूर नहीं, मेरी सूरत ही ऐसी है। ज्यादा नहीं होते राज, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। सीता, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी राज। ओ कैदी नंबर 308, चलो। अच्छा मैं जाता हूं।
आबाद नहीं बर्बाद सही, गाता हूँ खुशी के गीत मगर, गाता हूँ खुशी के गीत मगर। जख्मों से भरा सीना है मेरा, हंसती है मगर ये मस्त नजर। दुनिया तमारा हूँ, आए आवारा हूँ।